नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ गुरविंदर कौर, एक बार फिर से आपके सामने आई हूँ। इस बार मैं बच्चों को नहीं, एक बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी के साथ आई हूँ। आइए हम इनसे बात करते हैं कि ये कौन है, इनसे ज़्यादा हमें कौन अच्छे से बताएगा इनके बारे में। सर, आपका पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका मुझे इन्वाइट करने के लिए इस कार्यक्रम में, और आपके सभी मीडिया चैनल्स के व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं एडवोकेट तेजस्वी शर्मा, मैं अभी वर्तमान में प्रैक्टिस कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट साकेत में, और मैं 3 बार वर्ल्ड चैम्पियन रहा हूँ योगा में, और मैं जॉइंट डायरेक्टर हूँ पैरा योगासन स्पोर्ट्स का, जो कि NYSF नेशनल योगासन फेडरेशन से जो है रिकॉग्नाइज्ड है और एफिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो यही मेरा छोटा सा परिचय है, और आपके जो नेशनल चैम्पियनशिप हो रही है इसमें मैं डांस स्पोर्ट्स दिल्ली का प्रेसिडेंट हूँ और परफॉर्मिंग आर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। सर, जिस तरह से हम सबको पता है कि आप योगा से जुड़े हुए हैं जी, तो आप योगा और डांस में आपको क्या लगता है कि क्या एक डांसर एक योगा आर्टिस्ट बन सकता है? देखिए, योग तो हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय धरोहर है, और ये ज़रूरी नहीं है कि डांसर योगा कर सकता है या नहीं, या एक दिव्यांग योगा कर सकता है कि नहीं। योगा इज़ फॉर ऑल, योगा सभी के लिए। ये तो हमारे स्वास्थ्य के लिए है, किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो, किसी भी फील्ड से हो, आइदर ही इज़ फ्रॉम स्पोर्ट्स, डांस या फिर एंटरटेनमेंट की दुनिया से हो, योग सभी के लिए है, क्योंकि आपको अपने तन और मन दोनों को तंदुरुस्त रखना है। इसके लिए हमारी भारतीय संस्कृति जो योग है, जिसको पूरी दुनिया अपना रही है, इससे अच्छा मार्ग जो है, इससे अच्छा उपाय जो नहीं हो सकता लोगों के लिए स्वस्थ और खुश रहने के लिए। शुक्रिया सर, आप यहाँ पे आए, अपना इतना कीमती समय हमारे बच्चों को दिया। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को एक मैसेज दें कि किस तरह से बच्चों को वो एकेडमिक्स के साथ साथ एक्टिविटीज़ में बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करें। हाँ, देखिए, आज के समय में बहुत चैलेंजिंग हो गया है, क्योंकि कोविड में जो है बहुत बच्चों को परेशानी हुई, लोगों को नेट के इंटरनेट के माध्यम से पढ़ना पड़ा। वो जो दौर हमने जिया, स्कूल लाइफ, खेलना कूदना, जो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम नहीं कर पाएँ। तो मेरी उनसे गुजारिश है, जिनके ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इधर आप ऑफिस में हैं या घर पर हैं या आप बच्चों के साथ में हैं, आप जो है अपने बच्चों को ये हमारी जो भारतीय संस्कृति परम्परा है, आप योग से जोड़ें, ताकि वो जो अपने स्वस्थ शरीर को भी रख सकें और पढ़ाई भी कर सकें। और सभी स्कूल्स में इसको लागू करना चाहिए, उसकी प्रक्रिया भी बन चुकी है, और हमारा जो चैम्पियनशिप भी होता रहता है, तो सभी को जो है योग से जोड़ना चाहिए, क्योंकि आप घर बैठे ही स्वस्थ और मस्त रह सकते हैं। तो करें योग, रहे निरोग। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।